2012 की तरह एक बार फिर 2022 आने से पहले अखिलेश यादव का रथ उत्तर प्रदेश की गलियों में निकल चुका है। क्या है पूरा अखिलेश यादव का प्लान, बात करते हैं। अखिलेश जी, आज आप उन्नाव पहुंचे, आपकी जनसभा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन किस तरह से देखा जाए आपका ये कार्यक्रम और क्या संदेश आप आज के कार्यक्रम से दे रहे हैं? स्वर्गीय मनोहर लाल जी का कार्यक्रम था आज, उनकी याद में उनके प्रतिमा का और विमोचन भी था, अनावरण और उनके माल्यार्पण करने का भी कार्यक्रम था। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत 50 लोगों की कार्यक्रम के करने की परमिशन दी थी, उसी के तहत समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम किया है। स्वर्गीय मनोहर लाल जी और उनका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। आज ज़रूरत है वही विचार की जो मनोहर लाल जी ने कभी शुरू किया था कि जातियाँ टूटें, पिछड़े, दलित और सब वर्गों को साथ लेकर के आगे चल कर के ही देश और समाज का भविष्य बेहतर होगा। अखिलेश जी, सोशल इंजीनियरिंग पर आप काफ़ी काम कर रहे हैं, तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम पिछड़ी जातियों के नेताओं को आप एकजुट कर रहे हैं, और आज जो आप मनोहर लाल जी के कार्यक्रम में आए, क्या निषाद वोट बैंक आपकी नज़रों पर है समाजवादी पार्टी के? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लगातार जो हक और सम्मान और अधिकार थे पिछड़ों के, दलितों के, उनको छीना जा रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अभी हाल में ही पंचायत के चुनाव जो हुए और ब्लॉक ग्रुप के चुनाव जिस तरीके से हुए, जो प्रशासन ने कराए हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जनता में नाराज़गी है और समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर वर्ग को जोड़ करके आगे बढ़ें। अखिलेश जी, आपने पार्लियामेंट में कल सुना ही होगा सरकार का एक बयान आया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है कोविड काल में, किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को, कितना सहमत? जब लोग ऑक्सीजन के लिए बेडों पर तड़प रहे थे, उस समय सरकार की जिम्मेदारी थी ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, बड़े पैमाने पे जाने बचाई जा सकती थी अगर सरकार जागरूक होती और समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध करा देती। जिन लोगों की जान गई है, जिन्हें बिस्तर नहीं मिला, जिनको समय पर दवाई नहीं मिली, जिनको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला, वो अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है उन तमाम जानों को जाने के लिए। वहीं आज गिनती नहीं कर रही सरकार, वो जानती है कि अगर गिनती करेगी सरकार तो संख्या बहुत निकलेगी। कई गांव ऐसे हैं जिसमें बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में जवाब दिया है कोविड को लेकर के। अखिलेश जी, एक मैं आपका भी भाषण सुन रहा था, मनोहर लाल जी का जो कार्यक्रम था उसमें आपने कहा कि आपकी अगर सरकार आती है तो आप गरीबों को लोहिया आवास देंगे और मुफ्त बिजली देंगे, तो ये जो मुफ्त बिजली का एक मुद्दा उठ रहा है पिछले कई दिनों से, उस पर आपका क्या कहना है अगर आपकी सरकार आती है? समाजवादी पार्टी गरीबों को सुविधाएं देगी, बड़े पैमाने पर किस तरीके से किसान को, गरीब को बिजली की सुविधा मिल सके, क्योंकि आने वाले समय में जो बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, जब पूरे हो जाएंगे तो बिजली सरप्लस होगी उत्तर प्रदेश के पास। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने पर समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो जनता को देने का वादा समाजवादी सरकार करेगी। बिजली को महत्वपूर्ण विषय है, बिजली कैसे दी जाएगी, कितनी यूनिट दी जाएगी और किसानों को क्या सुविधा दी जाएगी, ये चुनाव आने पर आपको जानकारी हो जाएगी। एक अंतिम सवाल अखिलेश जी, क्योंकि बीजेपी ने अभी ब्राह्मणों की बैठक दिल्ली में की, बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आपकी पार्टी के नेता संतोष पांडे परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, क्या माना जाए कि सोशल इंजीनियरिंग, जाति, ये सब एक बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में? इसके साथ साथ ये सभी वर्ग चाहते हैं खुशहाली और विकास के रास्ते पर जाएं। हमें पूरा भरोसा है और जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश फिर खुशहाली की तरफ लौटे, जहां तमाम जाति धर्म के लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, जोड़ेंगे, वहीं खुशहाली और विकास के जो हमारे मुद्दे हैं उनको भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। और देखिए, अखिलेश यादव इस वक्त जी न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे और लगातार अलग उन्नाव में निकले हैं अपने रथ को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आज इनकी जनसभा को अनुमति नहीं दी गई उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपना रथ निकाला और कुछ इस तरह से लोगों के बीच में वो जाते रहे लखनऊ से उन्नाव के बीच में, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद अखिलेश यादव यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार आती है तो मुफ्त बिजली को लेकर कई चीजें घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी के दिखाई देगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, उन्नाव।